हो गया, बहुत भीड़ तो थी पर दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, और मेरे पति और मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चले आए, बताओ पलट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप सबको पता है आज है महाशिवरात्रि, तो हैप्पी महाशिवरात्रि। पूजा पाठ हो गई है और फलहार भी ऑलमोस्ट बन गया है। किस चक्कर में, पहले तो यह था कि पूजा करके सीधा मंदिर जाएंगे, घर की पूजा करके मंदिर जाएंगे, बट हमारे घर में दो है ऐसे, एक तो चलो फिर भी ठीक है, और ये हमारे जो छोटे वाले भाई साहब पिचकारी, जो कल इनके लिए पिचकारी आए थे डीमार्ट से, वो खेल रहे हैं। और विंडो हमने इसलिए बंद किया है क्योंकि ये जो है ना वो हम लोगों के ऊपर भी पानी डाल रहा है, लड़का बदमाश कहीं का, देखो 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 वो धमकी दे रहा है आओ बाहर। तो अभी इसको बंद कर दिया गया है, तो उसका थोड़ा मुंह भी बन गया है, मुझे खेलने नहीं दे रहे। तो बस थोड़ी देर में बस नहा धो के मंदिर के लिए निकलेंगे, मतलब मिस्टर सिंह एंड विशु। चलो नहा लो फटाफट, नहीं नहीं पापा गए, फिर पापा फर्स्ट आ जाएंगे। दोनों बॉयज रेडी हैं मंदिर जाने के लिए। विशु रेडी? ओम नमः शिवाय। विशु ओम नमः शिवाय। विशु ने न्यू टी शर्ट पहनी है, न्यू टी शर्ट। कूल लग रहा है विशु, कूल लग रहा है, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर अच्छा लगता है इसके ऊपर। चलो सारी महिलाएं जल का लोटा लेके और मंदिर की तरफ जा रही है, कितना अच्छा लगता है ना मिस्टर सिंह। अपनी कंट्री में कुछ कुछ चीजें कितनी अच्छी लगती है, यही हम अगर बाहर होते तो शायद इन सब का मजा ना ले पाते। तो चलो भाई हम भी करते हैं भोलेनाथ का दर्शन, लग तो रहा है भीड़ होगी पर देखते हैं। ओ अरे विशु, तीज में इतनी भीड़ नहीं दिखते मिस्टर सिंह यहाँ पे देखो, और ना ही सावन के सोमवार में, पर महाशिवरात्रि की भीड़ देखिए। देख रहे हो टेंपल में कितनी भीड़ है, जय करो जय जय करो जय हर हर महादेव। जय। मंदिर के बाहर भगवान के दर्शन के लिए इंतजार का भी अपना मजा है, बस हाँ लोग वहाँ पे धक्का मुक्की ना करें सो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से लोग अपनी लाइन को मेंटेन कर रहे थे और भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे, और मेरा छोटा श्रद्धालु देखिए। विशु थोड़ा सा सैड हो गया था क्योंकि उसको पूरा जो पूजा का सामान था उसे चढ़ाना था और भीड़ इतनी ज्यादा थी तो पॉसिबल नहीं था। हो गया, बहुत भीड़ तो थी पर दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, और मेरे पति और मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चले आए, बताओ पलट के देखा भी नहीं आपने? देखा तो मम्मा मम्मा। हाँ वही मेरा बेटा ही पूछेगा, आप नहीं पूछोगे? बताओ मंदिर में मैं इधर उधर देख रही हूँ कि कहाँ गया मेरा परिवार, और दूर से इनकी टी शर्ट चमकी मुझे, अच्छा ये यहाँ आ चुके हैं। चलो भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा मम्मा की चप्पल यही है मेरा केयर करने वाला, सही बता रही हूँ। यू लाइक करने का जूस विशु? यस। अच्छा कूल कूल और नॉर्मल 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 नॉर्मल। ओके चलो आपके लिए ढूंढते हैं करने का जूस। हाँ पता है इसने एक बार ढूंढ भी लिया था, आई फाउंड इट, फिर पापा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। चीटर, पापा ने देखा था आपने क्या फाउंड किया। चलो पापा चीटर है। यस पापा चीटर है, पापा ने सुना था, मम्मा ने तो सुना नहीं, मम्मा ने सुना होता तो दिला देती। ऐसा धूप में लाल लाल हो गया धूप में खड़े होके, बट अच्छा है मिस्टर सिंह दुपट्टा हटा दिया था मेरा इसने। गुड बॉय, चलो आपको इसी बात पे करने का जूस। यो कैमर पेंट पेंट क्या रखा है? अरे स्टाइलिश है मिस्टर सिंह, टैटू वैटू बना हुआ है। करने का जूस, ये गन्ना, अगर सच बता रही हूँ अगर ये गन्ना नहीं रखे ना दूर से तो पता नहीं चलेगा यहाँ पे जूस कॉर्नर है करने का। मिल जाऊं? हाँ आप ले आओ। ऐसे देते हैं मम्मा की तरफ, मम्मा की तरफ ऐसे ही देते हैं ना। आहा मीठा मीठा गु गन्ने का जूस लग रहा है पापा नहीं पियेंगे बेटा, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं पापा, लाओ। आप नहीं पियोगे? देख लो जरा, मैं अपना जूठा नहीं दूंगी, आप विशु का पी ले सकते हो।
देखो कोकोनट वाटर भी लेके आए अपना। अरे वाह, ये देखो तेरी जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। हाँ देखो गए परम पिता से किसका झंडा पता नहीं। ये देखो विशु नहीं मिस्टर सिंह भी मेरे ऐसे ही टीवी देखते हैं। मैं खा रही हूँ, विशु को क्या बोलूँ, मिस्टर सिंह भी टीवी ऐसे देखते हैं। ये भोग वाला प्रसाद ले लेना। मिस्टर सिंह भोग वाला प्रसाद। आज आज का प्रसाद खाने में कोई पीछे नहीं रहेगा। रोज का प्रसाद खाने में विशु काजू बिन के खा लेते हैं, सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खा लेते हैं। चाय बनाऊं? तो इधर बन रही है मेरी चाय और इधर हमारा होने जा रहा है फलहार। सुबह से बस फ्रूट पे ही थे तो अभी शाम को थोड़ा सा हैवी हो जाए, तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या है मेरे व्रत की थाली पे शिवरात्रि की। सो ये है आलू का झोल एंड ये रहा हमारा रामदाने का आटे का हलवा एंड ये रही हमारी गर्मा गर्म वाखरी। ये पता है बहुत हेल्दी होता है, मतलब आप पूरी खाओगे ना तो उसमें मतलब ऑयली ऑयली फील होगा और गरम गरम नहीं खाई तो बिल्कुल ही बेकार लगना है फिर तो। सो ये वाखरी मतलब पराठे जैसी बनती है और बहुत आराम से बन जाती है। अगर आप बोलो तो मैं कभी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। और लास्ट टच आता है हमारा स्पून का। सो आज हमारे महाशिवरात्रि की थाली में इतना ही है, सिंपल सा सोबर सा, मीठा भी है, सब्जी भी है और हमारी वाखरी। चलो इसको खाते हैं, मतलब मिस्टर सिंह को खिलाते हैं पहले। और आप लोग सोचते हो कि मैं हमेशा मिस्टर सिंह की थाली क्यों दिखाती हूँ, अपनी क्यों नहीं दिखाती, तो मैं अपनी इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मैं हमेशा जुगाड़ के बर्तन में खाती हूँ। शायद औरतों की यही आदत रहती है ना। मैं इसको तो टाइम नहीं हुआ। हाँ ये तो नहीं है कहते हैं, पर यार इसी में रखा हुआ था, इतना ही बचा हुआ था तो मैंने कहा यही रख लेते हैं। तो कुछ ऐसी रही हमारी महाशिवरात्रि, अगले साल का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ आपका।